कई लोग बोलते हम रोज नहीं आ सकेंगे। अरे भाई तू मत आ, रोज आ सके ना आएगा तो बहुत अच्छा है, यहाँ रख दे वो अपने आप चार्जिंग होगा, कोई ना कोई बंदा बैठेगा तेरी जगह पर, आरती मंगल दीपक करेगा, तेरा काम हो जाएगा। हाँ लेकिन फिर टोटल भाड़ोती किया तो काम नहीं होगा। जेन्युइन तू नहीं आ सकता है जेन्युइनली तो अलग बात है। सो बी ऑनेस्ट अबाउट योर ओन सेल्फ, क्योंकि ये सब जो कुछ भी है हमारे खुद के लिए है। तो तीन दिन हमने व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति और जीव के बारे में नेगेटिविटी, क्या नेगेटिविटी, शंका, भय, चिंता, डिफरेंसेस ये आइडेंटिफाई करना है। ये व्यक्ति के साथ क्या क्या शंका है, क्या क्या भय है, क्या क्या चिंता है, क्या क्या डिफरेंसेस है, उसको नोट डाउन। फिर वो व्यक्ति मिलेगा तब मुझे नहीं होना परेशान। ओम रिंग क्लिंग महाकाली देव्याय नमः। फिर नमो जीराणम जय भैरम। ओम रिंग ऐं क्लिंग दुर्गाय नमः। और फिर बैलेंसिंग, सब नेगेटिविटी निकाल दी, पहले रोक ली फिर निकाल दी, फिर अंदर जो बचा है त्रिगुण, त्रिगुणात्मक शक्ति, उसकी बैलेंसिंग, सतो रमो रजो तमो, क्योंकि सब की जरूरत है। आराम करना है तो तमो की जरूरत है, वेरी इंपॉर्टेंट टू रेस्ट। लोग देखो ऐसे मत समझना कि दिन भर भागते रहो, 24 घंटे भागते रहो तो सबसे बढ़िया होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यू नीड टू रेस्ट, भागना भी उतना ही जरूरी है, लेकिन उतना मत भागो कि रेस्ट मिले ही ना। और फिर सत्व, पॉजिटिविटी, सत्व यानी पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी, एक्सेस ऑफ पॉजिटिविटी ऑल्सो इज डेंजरस, समझ में आ रहा है? तो तीनों का बैलेंस होना जरूरी है। तो कल का दिन था बैलेंसिंग, यानी किसी भी किसी के साथ संबंध में व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जीव, चारों के साथ और परमाणु पांचवा, सबके साथ बैलेंसिंग करके चलना है। कर रहे हो कि नहीं? सबका मंत्र दे दिया, अंदर का बाहर का, हाँ थियोरेटिकली सबको समझ में आ गया कि नहीं? आया तो ही आगे बढ़ सकते हैं। ये क्रोनोलॉजिकली है, यानी कि आप जंप नहीं मार सकते, फर्स्ट स्टेप से दसवां स्टेप आप जंप नहीं मार सकते। हर एक स्टेप में से कंपलसरी पास होना पड़ेगा। अगर आप किसी को भी स्किप करके आगे निकल गए तो आपको वापस जीरो पे आना पड़ेगा, ये बात निश्चित है। यू कैन नॉट जंप एनी स्टेप, इफ यू ट्राई टू जंप यू विल कम बैक टू जीरो। समझ में आया? हाँ यस, ये सब क्लिनिकल प्रोसेस है। यू कैन नॉट जंप, इफ यू जंप देन द ऑपरेशन इज फेल, ऑपरेशन फेल, सो यू नीड टू री ऑपरेट। तो इट्स साइंटिफिक प्रोसेस, इसमें धक्कापंथी धकेलपंथी नहीं चलता है, जरा चला भी नहीं चलता। तमने खबर छे मारू केटलू है, केटला तकलीफ छे, केटली जरा चलाए ला, कुछ नहीं चलता है यहाँ पर भैया। एवरीथिंग इज सिस्टमैटिक, साइंटिफिक, मैथमेटिकल एंड परफेक्ट। आप बोलेंगे सनराइज को बोलेंगे, जरा साहब आज जरा मोड़ू उठू छे तो अर्धो कलाक मोड़ा आवजो ने, हैं સાંજે શું છે મને મોડું થાય એમ છે, ચોવિયાર કરવાનો છે, જરા અંદર મોડા ડૂબજો એટલે હું દેખાય બધું, બધા ચોવિયાર વાળા જો સૂર્યને રોકી શકતા હોય ને તો બધા રોકી લેવા છે,
एक कई चोविया राउस दो चाले। आ तो कोई नो आम बढ़ता नहीं इतने चोविया राउस ना दंडा चाले। सुन में आ रहा है कि नहीं? ऐसे हम नाला एक नापाक है, इसलिए भगवान ने बोला नो कॉम्प्रोमाइज। इफ यू स्किप गो बैक टू जीरो देन रीस्टार्ट। और ये करोगे तो ये तीन काम सबसे पूरी नवरात्रि शक्ति आराधना के अंदर ये फर्स्ट तीन दे लाइफ टर्निंग पॉइंट है, लाइफ का टर्निंग पॉइंट। इफ यू नो दिस थ्री थिंग्स इट विल चेंज योर लाइफ, इट विल चेंज द पैटर्न ऑफ योर लाइफ, इट विल चेंज द अचीवमेंट्स ऑफ योर लाइफ। आपकी सफलता ये तीन दिन के ऊपर है, पूरी पूरी की पूरी। आपके शारीरिक रोग अपने आप भाग जाएंगे, मेंटली मेंटल पीस अपने आप आ जाएगी। और ये तीन किया ना तो मां लक्ष्मी ढूंढेगी आपको, कहां है भैया, मुझे 1 करोड़ का चेक भेजना है, तू कहां है, कहां वो हमारे पीछे। तो समझ में आया कि नहीं? यू नीड टू बी प्योर। नेगेटिविटी को निकालो, अपने आप वो आएगा, बुलाना नहीं है। श्री और आनंद, श्री यानी संपत्ति, आनंद यानी खुशी, ये सब अपने आप आती है। अगर ये तीन काम आप जबरदस्त करोगे ना तो ये अपने आप होगा। So everything is dependent on these three ratri and in our life these three objectives processes objective processes। हम लोग क्या करते हैं, subjective processes करते हैं। subjective यानी ये आया तो ये करो, वो आया तो ये करो, वो आया तो ये करो। कुदरत देख लो आप, कोई भी आया कुदरत का रिस्पॉन्स एक ही सरीका है। नदी के पास जाओ, दरिया के पास जाओ, जंगल में जाओ, वनस्पति के पास जाओ, किसी के पास भी जाओ नेचर में, मां आदमी को छोड़ के रिस्पॉन्स इज सेम। आप हम आप कितने भी नालायक क्यों ना हो, रिस्पॉन्स इज सेम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमें भी उसी ट्यूनिंग में आना है। बस अगर हम उस ट्यूनिंग में आ गए और परफेक्ट हो गए तो भगवान बन गए। श्रमण किसको बोलते हैं? वो ट्यूनिंग परफेक्ट करता जो है उसको श्रमण बोलते हैं। तो जो इस प्रकार की मेहनत करता है, श्रम करता है, एफर्ट्स करता है, वो उसे श्रमण कहते हैं। तो आप लोग कौन हो? सब श्रमण। श्रमण क्या करता है? अपनी शक्ति सिस्टमैटिकली उपयोग पूर्वक ज्ञान पूर्वक राइट डायरेक्शन में फोकस करता है। और उसको पता भी चलता है कि मैं गलत कहां हो रहा हूं, वेयर आई एम मिसिंग द बस। बस इतना काम कर दिया ना तो मां लक्ष्मी माता को तो अपने यहां आना पड़ेगा। यस, श्री गजानन, जय गजानन, जय जय गणेश मोरिया, श्री गजानन। आज आनंद का दिन है, टुडे इज सेलिब्रेशन डे। इफ यू हैव वर्क ऑल दीज थ्री थिंग्स ऑटोमेटिकली सेलिब्रेशन कम्स। लेकिन हर एक का मुंह एकदम ऐसे सीरियस है, दैट मीन्स यू हैव नॉट डन वर्क मैन। अनलोड हो जाता है तीन दिन में आदमी पूरा अनलोड हो जाता है तो उसके मुंह पे चमक और स्माइल अपने आप होती है। अब जब मैं बोला तब स्माइल शुरू किया सब लोगों ने, तब तो
समझ में आ रहा है? टुडे इज चीयरफुल डे। चलो तीन व्हाट्सएप करते हैं। इट्स अ वंडरफुल डे। आज का दिन अद्भुत है। आज का दिन अद्भुत है। कम व्हाट मे, कम व्हाट मे, आई विल एंजॉय, आई विल एंजॉय। कम व्हाट मे, कम व्हाट मे, आई विल स्माइल, आई विल स्माइल। किसी भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी वस्तु, किसी भी परिस्थिति, किसी भी परिस्थिति, सबके साथ, सबके साथ, आई विल एंजॉय, आई विल एंजॉय, आई विल स्माइल, आई विल स्माइल। नमो जी। यस, दिस इज व्हाट ब्रिंग चीयर वंडर इन अवर लाइफ इंस्टेंटली एंड कॉन्स्टेंटली। इंस्टेंट एंड कॉन्स्टेंट। देखो परिस्थिति लाइफ की वो हमारे हाथ में नहीं है। कौन मिलेगा, कैसा होगा, क्या होगा, वो सब कुछ हमारे हाथ में नहीं। लेकिन ये तीन चीज मेरे हाथ में है और उस तीन चीज को अचीव करने के लिए वो तीन रात्रि गई। काली माँ को अटकाओ, काली माँ को निकालो और बैलेंस करो तो इट विल बी अ वंडरफुल डे ऑटोमेटिक। इट विल बी अ चीयरफुल डे ऑटोमेटिक। इट विल बी जॉयफुल डे, एंजॉयफुल डे ऑटोमेटिक। इट विल बी अ स्माइलिंग डे, होल डे स्माइलिंग चलेगा ऑटोमेटिक। बस दिस नीड टू बी नेचुरल। नेचुरल और 24 घंटे कंसिस्टेंटली चलना चाहिए। आप नदी किनारे बैठो, नदी किनारे बैठो, कभी भी आपने देखा है नदी रुक गई? उसकी खल 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 24 घंटों चलती है। बस वैसे कंसिस्टेंट होना है हमें। हाँ, શું ગણવાનું? કઈ ગણવાનું નથી, નહીં નહીં, મંત્ર ગણવાના નથી, મંત્ર માણવાના છે, ગણવાના નથી માણવાના છે, ગણતા નહીં લોચો થશે, 10 રહી ગયા, 5 થયા, હા ગણતરી કરવાની જ નહીં, હવે ગણવાનો શબ્દ બહાર કાઢો, માણવાનો એમ બોલવાનું, ગમે ત્યારે માણી શકાય, ગણી શકાય નહીં, અત્યાર સુધી લોકોએ ગણવાની વાત કરી છે એટલે તમે ગણવાનું પૂછો છો। गणवानो धंधो बंद, माणवानो धंधो चालू। सो एंजॉय कंटिन्यूअसली, दिस प्रोसेस इज टू एंजॉय माणवा। नक्की कर्युं ने, आई विल एंजॉय माणवानो। हवे माणवामां कोई मुहूर्त होय? हे, लोको जेने बहु लोचा मार्या ने ई मुहूर्त गोते કે જિંદગીમાં તો બહુ લોચા માર્યા છે, હવે બેસ્ટ ટાઈમ ગોતો, મુહૂર્ત ગોતો હારા કામ કરવા માટે। જેને લોચા માર્યા ને જિંદગી ભર એને જ જ્યોતિષની જરૂરત પડે, પણ જે આ ભગવાનનું જે આ રીતે જીવન જીવે ને જ્યોતિષ એની પાછળ આવે। ત્યાં તમે 24 કલાક કેવી રીતે હસો છો, કેવી રીતે એન્જોય કરો, મને પણ એવું કંઈક જોશ જોઈને આપો ને। હા, કાળ સર્પ યોગમાં તમે હસી શકો છો। રાહુલ કે રાહુ કે તું બધા નડી રહ્યા પણ તમે તો હસો છો। તારી કુંડલી ની કુંડલી કરી નાખશો, અહીંયા લાવ તું। સમજમાં આ રહે કે નહીં? ધીસ ઇઝ સચ અ પાવરફુલ ડાયનેમિક, ડાયનેમિક પાવરફુલ પ્રોસેસ। સો હવે માણજો હો ભાઈ, ગણતા નહીં, માણતા માણતા જજો રોજ ડોંબીવલી, માણતા માણતા રોજ આવવાનું ને। જો આ આટલા 15 દિવસ કરશો ને તો પછી આખો 24 કલાક માણશો, ગણવાનો ધંધો બંધ। બસ આ આ અને 24 કલાક શા માટે? જો તમે 12 કલાક આવી રીતે માણી શકો ને, હમણાં અહીંયા 3 કલાક ને પછી આવા જવામાં ને પછી ઘરે જઈને સુતા સુતા માણી શકો તો 24 કલાક ઓટોમેટિક માણી શકશો। આવી રીતે છે। તો ચલો હમ આહ્વાન કરતે હૈ। હા, આનંદ ગજ ગજ આનંદ શ્રી ગજાનંદ।
जय गजानन, जय जय गणेश मोरिया, श्री गजानन जय गजानन, जय जय गणेश मोरिया। जय गजानन, जय गजानन।